हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां हम जानने वाले हैं विश्व रक्षक नागराज की नई सिलबंग सीरीज में आई पहली कॉमिक अर्ध सत्य के कुछ शानदार और अनोखे फैक्ट्स के बारे में। जिसमें आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इंडियन कॉमिक से जुड़े ऐसे मजेदार कंटेंट को रेगुलर देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर कर ले। एंड नाउ आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। So guys, इस कॉमिक में हमने विश्व रक्षक नागराज का एक अलग मातृत्व वाला रूप देखने मिला, जहां वो एक छोटी अनजान बच्ची से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता है राइट फ्रॉम द मोमेंट जब वो उसे विद्याचार्य धाम के दरवाजे पर मिलती है। एंड देन नागराज एक पिता की तरह उसकी केयर भी करता है और एक माँ की तरह उससे स्नेह भी, जहाँ वो उसे रात को सुलाते वक्त लोरी तक सुनाता है, जिसे दर्शाते हुए इस कॉमिक में हमें एक पैनल भी देखने मिला जिसमें नागराज उस बच्चे को एक लोरी सुना रहा था जो कुछ यूं थी कि आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। तो गाइस, इस लोरी से जुड़ा एक अननोन फैक्ट ये है कि ये लोरी नितिन मिश्रा की माताजी उन्हें सुनाया करती थी, जिसे इस कॉमिक में इंक्लूड करके उन्होंने अपनी माँ को ट्रिब्यूट दिया है। अब गाइस, ये सीरीज 2016 में राज झलकिया में प्रमोट की गई थी, जिस वक्त पर इसे लाया भी जाना था, लेकिन कुछ कारणवश ये तभी ना पाई और अब जाकर रिलीज हुई। सो इनिशियली बैक इन 2016 जब विश्व रक्षक नागराज की इस सीरीज को प्लान किया जा रहा था, तब इसे कुल 96 पेजेस के हिसाब से लिखा गया और इसका चित्रांकन भी उसी मद्देनजर शुरू हुआ। यानी ये सीरीज सिर्फ टोटल 96 पेजेस की कहानी होने वाली थी, बट बाद में राज कॉमिक्स का डिविजन हुआ एंड इस सीरीज को हाफवे थ्रू बीच में 48 पेजेस पर आकर ही रोक दिया गया और ये डिक्लेयर हो गई एक डिब्बा बंद कॉमिक, जिसे फाइनली इस साल रिवाइव किया गया और अब इसमें पेजेस की संख्या भी 96 से फॉर श्योर ज्यादा ही होने वाली है। नाउ जैसा कि मैंने कहा, राज कॉमिक्स का डिविजन होने से इस सीरीज को होल्ड पर डाला गया था, जिसे अब दो राज कॉमिक्स पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया जा रहा है। तो गाइस, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरसीएमजी ने तो इस सीरीज को और इसमें आने वाली कॉमिक को सिलभंग नाम से ही पेश किया, बट उनके बड़े भाई संजय गुप्ता ने अपने बैनर आरसीएसजी तले इस सीरीज का नाम सिलभंग रखते हुए इसमें इंक्लूडेड कॉमिक्स का नाम बदल दिया है। एजुनो ने पहले इशू सिलभंग का नाम चेंज करके इसे अर्ध सत्य कर दिया। तो दोस्तों, जब इस सीरीज के लिए दोनों राज कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस की बात की ही गई है, तो इससे जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि इस सिलभंग सीरीज पर आर्ट का काम कर रहे थे अनुपम सिन्हा जी एंड इसकी राइटिंग कर रहे थे नितिन मिश्रा जी, जो बेहतरीन डुओ ही इस सीरीज को प्रेजेंट करने वाले थे। बट जैसा कि अब सिनेरियोस चेंज हैं, राज कॉमिक्स अलग अलग हैं और इस सीरीज को भी डिफरेंट तरीके से मार्केट में लाया जा रहा है, तो इसकी जो पूरी क्रिएटिव टीम है वो भी किसी एक ओनर के पास नहीं है। यानी अनुपम सर आरसीएमजी के लिए वर्क कर रहे हैं तो नितिन मिश्रा जी आरसीएसजी के लिए, जिसके चलते अब फर्दर इस सीरीज को आरसीएमजी की तरफ से राइट और इसका आर्ट अनुपम जी करेंगे, वहीं आरसीएसजी की तरफ से इसके लेखक तो नितिन मिश्रा जी होंगे, बट आगे आने वाले कॉमिक्स के साथ इस पर चित्रांकन दिलदीप सिंह या किसी और आर्टिस्ट का होगा। तो गाइस, आरसीएसजी की अर्ध सत्य कॉमिक को आरसीएमजी की सिलभंग कॉमिक से अलग बनाती है इस सीरीज के आखिर के 3 एक्स्ट्रा पेजेस, जो इस कॉमिक में स्पेशली कहानी को आगे अलग मूव कराने के लिए डाले गए हैं, जो कि आरसीएमजी की सिलभंग कॉमिक में नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां कॉमिक का एंड होता है नागद्वीप पर फेसलेस के हमले से, लेकिन अर्ध सत्य में इसका अंत होता है महानगर पर हुए एक अटैक से, जिसमें एक तूफान महानगर पर आतंक फैलाता नजर आया। सो देखते हैं कि अब इस स्टोरी को दोनों राज कॉमिक्स बंधु कैसे मूव फॉरवर्ड करते हैं। बाकी इस फाइनल फैक्ट के साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जिसे अगर आपने पसंद किया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें।